हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज, आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 2 बहुपद का, ठीक है। तो पिछले के लेक्चर में हमने थ्योरी देखा था, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वो रियल नंबर का जो वीडियो है यूट्यूब पे है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद। पिछली चीज़ें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली जो चीज़ें हैं यदि आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, और उसी से जो है यदि आपका बेसिक्स तैयार नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं इस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा और फिर आगे करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी बहुपद होता है पी एक्स, ठीक। बहुपद को हम पी एक्स, कोई भी बहुपद है तो उसे पी एक्स, यदि कोई बहुपद एक्स में है तो उसे पी एक्स इग्नोर करेंगे। जैसे हमारा एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक। अब देखिए, जैसे भी मान लीजिए जेड में होगा तो इसको जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड प्लस फोर, या फिर ऐसा करके कुछ भी लिखे, ठीक है। तो जिसमें हमारा बहुपद होता है हम उसका पी लिख देते हैं। अब देखिए, ये मैंने बताया था कि जिसके पावर मीन्स बहुपद के साथ जितना अधिक होता है उसके सॉल्यूशंस मीन्स उसके आंसर उतना ही अधिक आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं, ठीक है। शून्यांक इसका मतलब इसके दो शून्यांक होंगे, ठीक। शून्यांकों की संख्या इसमें दो होगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ होता क्या है, जानते हैं कि ग्राफ में रेखाओं से फिगर ड्राई की जाती है वगैरह वगैरह, तो जानते हैं। तो चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुपद दे देगा, ठीक है। जो ग्राफ होता है ना, बहुपद के शून्यांक के बीच में ही खींचे जाएंगे, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, ठीक। ये हो गया एक्स डैस, ये मूल बिंदु को ओ से, और ये एक्स, ये वाई ओ वाई डैस, ठीक। देखिए, यदि हमारा कोई बहुपद एक्स में है, ठीक, यदि कोई हमारा बहुपद एक्स में है तो एक्स एक्स जो हमारा है एक्स एक्स को उसके शून्यांक, मतलब मान लीजिए हम कोई बहुपद है हमारा यही एक्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री, यदि हमने इसके बहुपद निकाले तो क्या आ गया, एक आ गया। देखिए, शून्यांक का मीन्स क्या होता है, इसमें हम क्या वैल्यू रख दें कि क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुपद है वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो हमारा बहुपद है इसमें हम x की वैल्यू क्या रख दें कि जीरो हमारा y आ जाए, ठीक। तो x y की वैल्यू जीरो, ये y कोऑर्डिनेट है ये। अब देखिए, y की वैल्यू जीरो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x में कुछ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x अब हमेशा आप जानते हैं, बस एक चीज़ याद रखिए कि y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, x में जब आएंगे x एक्सिस पे, y एक्सिस के y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक। तो यदि कोई बहुपद हमारा है, ठीक, बहुपद है, और पूछा है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, और वो भी x के टर्म में, तो जितना भी जितनी बार कोई भी बहुपद है और उसके शून्यांक निकाले, उससे x से होकर जितनी भी रेखाएं जाएंगी, या फिर x को जितनी बार कोई रेखा काटेगी वो उसका शून्यांक हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई निकाल, एक बहुपद है, ठीक, एक बहुपद निकाला, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी है, ठीक। इसके शून्यांक हमने क्या निकाले, इसका शून्यांक हो गया हमारा, पहले इसके देखिए चिन्ह क्या होता है, चिन्ह देखिए, चिन्ह से आपको समझ में आ गया, इसका प्लस प्लस होता है, इसे क्या होता है, पहले x, तो x ये माइनस होगा, फिर ये प्लस, इसमें क्या है, पहले x चलते हैं, ठीक, पहले भुज और कोट, ठीक। तो x क्या है, इसमें माइनस, और y भी इसमें माइनस। अब देखिए, x क्या है, इसमें प्लस और इसका माइनस। तो इस चिन्ह आप याद रखिए, चिन्ह से हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू निकाली, तो ये आ गया हमारा x पे आ गया, ठीक, ऐसे आ गया, ऐसे ये आ गया हमारा 4 कामा 0, मीन्स y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, और फिर आ गया हमारा 4 बाई 3, और एक आ गया हमारा 0 कामा 4 बाई 3, ठीक। तो इसका जो हमें बनाएंगे, इसका जो बनाएंगे क्या होगा, ग्राफ हमारा कैसा आएगा, 0 कामा 4 बाई 3 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ, 0 कामा 4 बाई 3, 4 बाई 3 ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक,
फोर बाई थ्री ऊपर होगा और फोर क्या होगा, फोर यहाँ होगा, हम दोनों को मिला देंगे, ठीक, दोनों को मिला देंगे। अब एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई हमारा एक्स एक्सिस पे ही जीरो होगा और एक्स हम जो हमारा बहुपद है वो एक्स में है, ठीक, तो इसलिए इसके शून्यांक की संख्या क्या होगी, एक होगी, ठीक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई भी बहुपद है एक्स में, जैसे अगर आप क्वेश्चन संख्या दिया होगा पी एक्स दिया होगा, यदि कोई बहुपद एक्स में है तो जो हमारे वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस को जितनी बार रेखाएं काटेंगी वही उसका क्या होगा, रेखाएं काटेंगी या फिर स्पर्श करेंगी उतनी ही उसकी क्या होगी, शून्यांकों की संख्या होगी। शून्यांकों की संख्या में से होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें हम उसकी वैल्यू रखें तो वो क्या करते, पूरा का पूरा जो हमारा बहुपद है वो जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे देख लीजिए यही है, एक हमारा बहुपद है पी एक्स हमारा कुछ भी है, ठीक, और उसका जब हम फिगर ड्रा कर रहे हैं तो ऐसे दे रहा है, ठीक, अब रहने देते हैं, ठीक। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ये रेखा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मीन्स इसके आठ शून्यांक होंगे, ठीक। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होगा, आठ होगा, तभी तो ये आठ शून्यांक आएगा ना, ठीक है। तो चलिए इतना तो आप बस इतना समझिए यहाँ ना कि अगर कोई भी बहुपद पी एक्स है या फिर पी वाई अगर कह दिया जाए पी वाई, तो अब एक्स की नहीं वाई जो हमारा वाई को वाई होगा वाई एक्सिस, वाई एक्स को कितनी बार जो रेखाएं काटेंगे हम उसको लिखेंगे, ठीक, समझ में। अगर वाई कहेगा तो वाई, जेड कहेंगे तो जेड, ठीक, एक्स कहेगा तो जो कहेगा हम उस किसी रेखा द्वारा उसके काटे गए हम क्या बिंदुओं को देखेंगे, जितनी बिंदु पर वो काटा होगा उतने उसका शून्यांक कहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है, ये भी फिगर सही है इसलिए मुझे ये ग्राफ बताना पड़ेगा फिगर का, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स, मीन्स वाई बराबर पी एक्स, वाई कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे, और पी एक्स मीन्स क्या है, जो बहुपद है हमारा वो पी एक्स एक्स में है, ठीक है, बहुपद हमारा एक्स में है, ठीक। जब ये बहुपद हमारा एक्स में है तो हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी भी रेखाएं टच कर रही हैं हम उसको, जितनी भी बिंदुओं पर कोई रेखा टच कर रही है हम उसको देखेंगे, ठीक है। यदि टच करेगी, जितनी बार टच करेगी वो क्या होगा, उसके उतने ही शून्यांक होंगे, अगर नहीं टच करिए तो मीन्स उसके शून्यांक नहीं होंगे, ठीक। फिगर देख के बताना है, तो फिगर में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और भी क्या, फिगर देख के हमें बताना है, पी एक्स के शून्यांक मीन्स एक्स एक्सिस को जितनी बार रेखा कोई टच करेगी उसको हमें बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ऐसे, पहला इसका ये ऐसे है, ये ऐसे, फिर जो रेखा है वो क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक ठीक, हो गया, ये हो गया ना हमारा वाई, ठीक, ये हो गया हमारा वाई, वो हो गया मूल बिंदु वाई ओ वाई डैश, और ये हो गया एक्स डैश ओ एक्स, ठीक। अब देखिए बहुपद किस में है हमारा, पी एक्स में, बहुपद हमारा एक्स में है, लेकिन हम इस फिगर से क्या देख रहे हैं, फिगर से तो देख रहे हैं कि एक्सिस को जो ये रेखा है टच ही नहीं कर रही है, ये जो शून्यांक वाली रेखा है इसको एक टच ही नहीं कर रही है, तो इसका मीन्स क्या है, इसके एक भी शून्यांक नहीं है, क्या है, इसके एक भी शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, ठीक, शून्यांक नहीं है, ठीक। अगर टच करता तो शून्यांक होता, अगर नहीं टच करा है तो मीन्स इसका शून्यांक ही नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि पी एक्स में हमारा बहुपद था, और पी एक्स जब हमारा बहुपद था तो क्या देखेंगे हम, एक्स एक्सिस को जो हमारी रेखा है वो टच कर रही है कि नहीं, अगर टच करती तो शून्यांक होता, नहीं टच करती नहीं होता, ठीक है। तो गाइस मैं पेज चेंज कर देता हूँ, उसके बाद जो इसके क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन
बता दूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं वो एक्सेस तो बना लूँ पहले, ठीक। ये हो गया मूल बिंदु हमारा वाई, वो वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स, ठीक। अब देखिए दूसरा कैसे है, दूसरा ऐसा है, देखिए फिगर तो मैं सेम नहीं बना सकता, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा बहुपद हमारा किस में था, पी एक्स में था, बहुपद पी एक्स में था ना, बहुपद पी एक्स में था, सॉरी ये याद नहीं रहेगा क्योंकि ये रेखा आगे नहीं जाएगी, इसके शून्यांक यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू यहीं पे आना बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए हो गया, इसका मतलब आगे बढ़ना होता है लेकिन ये रेखा यहीं पे ख़त्म हो गया, तो सॉरी इसके लिए। अब क्या देखते हैं, बहुपद क्या था हमारा एक्स में, ठीक, एक्स के टर्म में हमारा बहुपद था। अब क्या देखना है, एक्स एक्सिस को ये रेखा है टच कर रही है, अगर हाँ टच कर रही है तो कितनी बार कर रही है, हम देख रहे हैं कि एक बार टच कर रही है, मीन्स इसका क्या शून्यंक होगा, शून्यंक, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या हमसे क्वेश्चन पूछा है, शून्यंकों की संख्या एक होगी, ठीक हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देख रहे हैं ना तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया मूल बिंदु वाई ओ वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स। अब देखिए इस फिगर में कैसे है, यहाँ से जा रहा है और सॉरी यहीं से ये ऐसे ठीक, ये नहीं है सॉरी। तो अब देखिए हमें माइनस और प्लस नहीं देखना है, हमें माइनस और प्लस नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि ये पीछे काटा ये आगे काटा, नहीं, अरे भाई ये एक्स एक्सिस को ही ना काटा है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू माइनस में आई हो, इसकी वैल्यू माइनस वन हो या फिर माइनस फोर माइनस सिक्स कुछ भी हो, जिससे ये हमारा क्या हो वाई जो है वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा जीरो आ जा रहा है, ठीक वाई। तो चलिए ठीक है, बस वही इतना ही चर्चा करते हैं इसके आगे नहीं। मान लीजिए वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारी जो समीकरण है वैसे है बी एक्स प्लस सी, ठीक, एक्स की जगह पे हमारा माइनस फोर है तो ये क्या आ जाएगा वाई जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है, ये ऐसे हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हमें क्या, हमें तो बताना है शून्यंकों की संख्या, ठीक है। ये देखिए कितनी बार काटा है, एक दो तीन बार है ना, तीन बार काटा है तो उसकी शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तीन, ठीक। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो दो बचे हैं आप खुद करिएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं, चार नंबर, ठीक, चार नंबर, चार नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखिए ऐसा कर दिया है, मीन्स इसके जो दोनों शून्यंक हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू इन दोनों शून्यंकों की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, और दो बार काटा है, ठीक, तो इसके शून्यंकों की संख्या क्या होगी, भाई दो ही बार काटा है ना, दो बार काटा है और बहुपद किस में है, पी एक्स में है, और एक्स एक्सिस को भी दो बार काटा है तो क्या होगा, इसके शून्यंकों की संख्या दो होगी, ठीक, शून्यंकों की संख्या क्या होगी, इसके शून्यंकों की संख्या दो होगी, ठीक, शून्यंकों की संख्या क्या होगी, दो। मीन्स कहने का मतलब बस यही है, कोई भी अगर बहुपद दिया है आपको, ठीक, कोई भी यदि आपको बहुपद दिया गया हो, अगर वो पी एक्स में पूछ रहा है, पी एक्स में बहुपद क्या दिया हो, पी एक्स में कौन दिया हो, मैं पी एक्स की बात कर रहा हूँ, यदि यदि मान लीजिए यही बहुपद, पहले ये समझ लीजिए पी एक्स वाला, यदि कोई बहुपद पी एक्स में दिया गया हो तो हम उसके देखते हैं कि एक्स एक्सिस को जो उसकी रेखा है वो कितनी बार काट रही है, वही उसका शून्यंक होता है। अब देखिए यदि कोई बहुपद होता, बहुपद वाई का, जैसे ये होता कि पी वाई एक हमारा बहुपद होता कोई भी, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, y एक्सिस को
वाई एक्सिस को जितनी भी इसकी रेखाएं टच करी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये होता ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये एक्स को भी काट रही है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये फिर 4, तो इसके बहुपदों की संख्या क्या होती, 4 होती, सॉरी शून्यांकों की संख्या 4 होती, शून्यांकों की संख्या 4 होती ठीक। ऐसे ही मान लीजिए ये होता, ऐसे ऐसे होता 3D में होता ठीक है, ठीक ठीक ये हो गया, ये एक्स वाई और जेड ठीक। तो अगर कोई बहुपद हमारा PZ में होता तो हम क्या देखते, इसके जेड एक्सिस को देखते ठीक है, जेड एक्सिस को देखते ठीक, जेड को कितनी बार काटा है वो इसका शून्यांक हो जाता। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। और हाँ, यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है रियल नंबर की, तो आप उसे ज़रूर देखिए, और ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।